नमस्कार दोस्तों, मैं पवन शर्मा खजूरिया धारकारा यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज हम आपको ले चलते हैं धुनेरा ब्लॉक स्मृति रेस्ट हाउस में, जहां पर जागृति फाउंडेशन ट्रस्ट ने एक फ्री मेडिकल कैंप का आयोजन किया। इस कैंप में लगभग 115-16 मरीजों ने अपना चेकअप करवाया और मुफ्त में दवाइयाँ भी ली। इस कैंप में जागृति फाउंडेशन ट्रस्ट के चेयरमैन RPS बालिया जी ने अपने ट्रस्ट के बारे में विस्तार रूप से जानकारी भी दी और उन्होंने ये भी कहा कि इस ट्रस्ट के माध्यम से चार जो मेजर पेशेंट थे, जिन्हें ज़्यादा से जैसे एक पेशेंट हमारे पास ब्रेन का था, हार्ट का था, और दो पेशेंट जो एक्सीडेंटल थे, उनका पूरी जिम्मेवारी इस ट्रस्ट ने ली और उनको अडॉप्ट करके ट्रस्ट ने उनका पूर्णतया उनका इलाज करवाया। आइए इस बंद में देखते हैं कि छोटी सी रिपोर्ट। और अंतिम इस कैंप में इस ट्रस्ट के मेंबर राजकुमार और श्री उमेश कुमार जी ने आए हुए डॉक्टरों का धन्यवाद किया और साथ में उनसे ये भी कामना की कि इस ये ऐसा कैंप हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और डॉक्टरों से विनम्र प्रार्थना की कि सभी डॉक्टरों को हर वर्ष इस कैंप में बुलाया जाएगा और वह उनका इसी तरह से साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। जागृति फाउंडेशन के राष्ट्रीय कल्याणकारी परिषद के सहयोग नाल एक मेडिकल कैंप आयोजित किया है, जो कि धनेरे विखे इस टाइम चल रहा है, जिदे विच बहुत ही माहर डॉक्टर्स, डॉक्टर तरसेम, डॉक्टर डोगरा, डॉक्टर अत्री, डॉक्टर सविता शर्मा, तो डॉक्टर बराड़, जो कि स्किन के स्पैशलिस्ट हैं, वो हाजिर हैं, पेशेंट देख रहे हैं। इस वक्त साढ़े नाल रोशन, जो कि चंबा डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला, वो खड़ा है। साड़ी जागृति फाउंडेशन की एक धर्मकर्म जिहड़ा असी बनाया है कि असी क्रिटिकल इल पेशेंट नू अडॉप्ट करते हैं। रोशन साडा चौथा पेशेंट है जिन्हों असी अडॉप्ट किया है। रोशन की पिछले दिनों दे विच 5 महीने पहला एक एक्सीडेंट दे विच फॉल हो गया सीगा, जो कि यह 100 फुट खड्ड च गिरया, इहदी स्पाइन डैमेज हो गई। असी उपराला किया जो साढ़े को बन सकता है, तो अज बिना मेडिसिन दे ये लोगों की ब्लैसिंग नाल, लोगों के सहयोग नाल ये अपने पैरों पर खड़ा है। असी समझते हैं भी आते दिनों दे विच एक नॉर्मल इंसान बनेगा तो अपनी फैमिली ते अपनी सोसाइटी की सेवा करेगा। सो ये स्पैशली साढ़े फंक्शन दे विच आया है, इहदी मसाज चल रही है। असी इहदी मसाज दे विच भी जो सहायता असी कर सकते करांगे, अगे भी करते रहांगे। सो मैं साढ़े नाल बहुत ही लर्नड साढ़े राष्ट्रीय परिषद वालों मैंबर साहब आए हैं, चेयरमैन साहब आए हैं, गुप्ता साहब रजिंदर गुप्ता जी जो सीनियर एडवोकेट है, कर्नल साहब आए हैं जी, कर्नल हरी सिंह जी जो कि इस तार एरिए दे प्रोजेक्ट डायरेक्टर है, ओवरऑल इंचार्ज है। साढ़े नाल जैन साहब आए हैं जो कि परिषद के उच्च पदे है, तो होर साढ़े टीम मैंबर जागृति वालों सारे सहयोग कर रहे हैं। तो असी चाहवांगे भी ये जिहड़ा कैंप है ये अगले साल भी असी कंटिन्यू करिए, इनू नवंबर के महीने च एक एनुअल फीचर बनाइए ताकि असी लोगों का वध तो वध कोई सेवा कर सकीए। इन्हों अच्छे डॉक्टरों की जी कमी जी है इतने वो असी पूरी कर सकीए। असी प्राइमरी हेल्थ सेंटर भी विजिट किया है, जिहड़ा कि धुनेरा, उन्हों इंपरूव करने लिए असी भी उहदे लिए जागृति वालों उपराला करन दी स्टार्ट कर रहे हैं। उहदे लिए असी जिहड़े डायरैक्टर हेल्थ मिशन ते प्रिंसिपल सैकटरी हेल्थ अजय शर्मा जी नाल, उन्हां नाल भी मीटिंग असी फिक्स करन दी कोशिश करांगे, ते हो सकदा है सानूं जे हेल्थ मिनिस्टर साहब वल जाणा तां उन्हां वल जाऊंगे। सो इन्हां शब्दां नाल मैं सारिआं दा धन्नवादी हां कि साडे इस कैंप च आए, इहनूं कामयाब कीता। ते साडी वचनबद्धता इक होर है भी जे जो भी क्रिटिकल पेशेंट आएगा इस इलाके दा होवे जां नाल लगदे हिमाचल दा, असीं उहनूं अगे अडोप्ट करांगे,
अज भी असी एक पंजवा पेशेंट है जिन्हों की आर्टिफिशियल लिंप लगाने की लोड़ है, असी उन्हों अडाप्ट कर लिया तो उसका इलाज करने का असी उपराला करांगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नेरा में गेस्ट हाउस के अंदर कल्याणकारी परिषद और जागृति फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की तरफ से एक जॉइंट फ्री मेडिकल कैंप का ऑर्गेनाइज किया गया है, जिसमें आसपास के इलाके के जो ज़रूरतमंद लोग हैं जिनको मेडिकल कवर कहीं से किसी वजह से नहीं मिल पाया तो वो यहाँ उन्होंने शिरकत की है। और हमारे पास 5 डिफरेंट किस्म के हमारे पास जो डॉक्टर साहब आए हैं अलग अलग फील्ड के, जिसमें उसमें आई स्पेशलिस्ट हैं, स्किन स्पेशलिस्ट हैं, मेडिकल स्पेशलिस्ट हैं, बोन स्पेशलिस्ट हैं, वो पेशेंट को देख रहे हैं बड़े अच्छे तरीके से। और उनको जो पेशेंट हैं उनकी जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर की है उसके हिसाब से उनको फ्री दवाइयों का भी यहाँ बंदोबस्त किया गया है और लोग सारे सेटिस्फाई होकर जा रहे हैं। हमारी यही कोशिश रहेगी आने वाले समय में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये फ्री मेडिकल कवर दिया जाए। और मेन मकसद हमारा ये है कि दूर दराज के गरीब लोगों को हम डॉक्टरों के साथ एक उनका जुड़ाव हो, ताकि वो इंडिपेंडेंटली कभी भी उनको किसी भी समय ज़रूरत पड़े मेडिकल कवर की तो बिना हिचकिचाट के वो उनके पास जा सके और उनको समय समय से एक उनकी ज़रूरत के हिसाब से उनको मेडिकल कवर मिले। हम चाहेंगे कि जो हमारे कल्याणकारी परिषद के चेयरमैन साहब हैं माननीय एडवोकेट गुप्ता साहब, वो भी हमारे बीच में तशरीफ लाए हैं और उनके दिशा निर्देश के अंदर ये कल्याणकारी परिषद बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। जागृति फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है ये वालिया साहब एक्स एसडीएम के देखरेख में ये काम कर रही है और बहुत सारे कुछ पेशेंट जो जिनके पास खाने के लिए 2 वक्त की रोटी भी नहीं है तो ऐसे पेशेंट अडॉप्ट किए हैं और उनको फ्री मेडिकल कवर जो है उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। वो बहुत दोनों परिषद के दोनों के इनके शुक्रगुजार हैं। हम चाहेंगे कि ये टीम साथ में मिलके कंधे से कंधा मिला के आने वाले समय में लोगों की सेवा में लगे रहें, ताकि इलाके में एक लोगों के अंदर एक माहौल बने, मेडिकल कवर जो उनको नहीं मिल पा रहा है वो समय समय से उनको मिलता रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कल्याणकारी परिषद के चेयरमैन साहब और जागृति फाउंडेशन के कार्यकर्ता उनके डायरेक्टर मैनेजिंग ट्रस्टी जो हैं वालिया साहब, इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। राष्ट्रीय कल्याणकारी परिषद आज इस गल की खुशी महसूस कर रहे हैं कि आज इस पिछड़े इलाके के अंदर जागृति फाउंडेशन के वालों एक मेडिकल चेकअप कैंप लगा के जिस विच तमाम मरीजों को फ्री दवाइया और हर तरह की सुविधा जी दी जा रही है। मैं ये गल कहनी जरूरी समझदा कि जागृति फाउंडेशन के विच उच्च पद्धर के व्यक्ति शामिल ने, जिस विच साढ़े सबका SDM श्री RPS वालिया, इन्हें दे नाल साढ़े सबका तहसीलदार मिस्टर यशपाल शर्मा और होर उच्च पद्धर के अधिकारी शामिल ने। उन्होंने भी अ शर्मा जी ने आना सी लेकिन किसी रुझावे करके तो नहीं आ सके और इस ही अज DC साहब ने भी तशरीफ लैनी सी, SDM साहब ने भी तशरीफ लैनी सी लेकिन उन्होंने मैसेज आ गया कि किसी जरूरी मीटिंग में जाना पै गया, उस करके नहीं आ सके। सो मैं ये आस करता कि साड़ी जागृति फाउंडेशन जिन्होंने ये तय दिलों उपराला करके इस पिछड़े इलाके के अंदर लोगों की सेवा करने का बीड़ा उठाया, इस तरह ही ये उपराले करते रहेंगे ता जो आने वाले वक्त के अंदर जरूरतमंद लोगों को मुहैया जड़िया सेवावान की जा सकन। मैं एक गल कहनी भी जरूरी समझता हाँ कि असी राष्ट्रीय कल्याणकारी परिषद के वालों कम अज कम 250 कैंप असी लगा चुके हैं और उस कैंपा के अंदर असी हर तरीके की मेडिकल जी है
सुविधा दी हैगी है और कोशिश साड़ी हो रहेगी कि जागृति फाउंडेशन के नाल मिलके कदम के नाल कदम मिला के असी इस तरह ही वक्त बेवक्त उपराले करते रहिए ता जो लोगों की सेवा की जा सके। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया जी।